धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु स्फुरति कंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर दुरापदि कचित्ति गंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी। नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम ऋतिका है और मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ शिव तांडव स्तोत्र का सरलता के साथ कैसे उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ मैंने श्लोक एक और श्लोक दो का उच्चारण करना सिखाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे के रखी है, उन वीडियो को जरूर चेक कर सकते हैं। पूरी वीडियोज की मैंने 14 श्लोक के वीडियो की प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक तीन का उच्चारण। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं पूरी एक लाइन पढ़ूंगी, फिर ठीक चार लाइन का श्लोक है, मैं पूरी एक लाइन पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उस लाइन के वर्ड को ब्रेक करूंगी। मैं एक वर्ड बोलूंगी, फिर मैं पॉज दूंगी जिसमें आपको बोलना है, फिर मैं दूसरा वर्ड बोलूंगी, फिर मैं पॉज दूंगी जिसमें आपको बोलना है। इस तरह पूरी लाइन के वर्ड्स को ब्रेक करके मैं पॉज देती जाऊंगी। जब जब पॉज देती जाऊंगी तब तब आप मेरे पीछे बोलेंगे, उसके बाद मैं पूरी लाइन बोलना सिखाऊंगी, फिर आपको पूरी लाइन मेरे साथ बोलनी है। इसी तरह चारों लाइन के साथ हम करेंगे। शुरू करते हैं। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बन धुरस। फिर से बोलिए। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। ये लाइन कैसे पढ़ेंगे बोले मेरे साथ। धारा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। पूरी लाइन बोलिए एक बार। धारा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन क्या है? स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। बोले स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। फिर से बोलिए। स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। पूरी लाइन कैसे बोलेंगे? स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। हो गया। अब तीसरी लाइन पे आते हैं। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। लाइन पढ़ते हैं। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। बोलिए। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। चौथी लाइन। क्वचित दिगंबरे क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो पूरा श्लोक कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। बोलिए मेरे साथ। धरा धरेन्द्र नंदिनी
विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति, स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। पूरी लाइन कैसे होगी? स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। तीसरी लाइन, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। लास्ट की लाइन, क्वचित दिगंबरे मानो विनोद मेतु वस्तुनी। बोले पूरी लाइन मेरे साथ बोलिएगा, क्वचित दिगंबरे मनो, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। पूरी लाइन फिर से पढ़े, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। पूरा श्लोक हम एक बार पढ़ते हैं, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो ये तीसरा श्लोक है। यही इस तीसरे श्लोक के साथ इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने बच्चों से, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों में जो भी बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे वर्क करता है, कैसे उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग को वो बूस्ट करता है, कैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर में ब्रेन के वो बैलेंस क्रिएट करता है संस्कृत के चैंटिंग। दैट्स कंप्लीटली बैक्ड अप बाय साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो उसको जाके जरूर चेक करिए और अपने बच्चे को बचपन से ही फॉर ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट शिव तांडव स्तोत्र की चैंटिंग करना जरूर सिखाएं। नमः शिवाय। आई सल्यूट यू। आई सल्यूट द गॉड विद इन यू।